आज की वीडियो में बात करेंगे जिप वर्सेस किंग्स इलेवन के बीच में खेले जाने वाले पांचवें T10 के मुकाबले के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किंग्स इलेवन टीम के स्टैट्स की। तो उनकी ओर से पहला नाम निकल के आएगा आपके लिए मलकी सिंह का। राइट हैंड बैटिंग करते हैं, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते हैं। कल इनकी टीम ने दो मैचेस खेले थे और दोनों मैच में इन्होंने अपनी टीम के लिए 10 और 11 रन बनाए थे। इसके अलावा इनकी टीम से आएंगे विकास कुमार जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं। कल इन्होंने अपने दो मैचेस में, पहले मैच में इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की, एक विकेट निकाला और 38 रन बनाए। दूसरे मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले और 55 रन बनाए। तो काफ़ी कमाल का प्लेयर है, जैकपॉट प्लेयर है आपके लिए इस मुकाबले में एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। नंबर 3 पे आएंगे सिमरनजीत सिंह, ये भी एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं। कल इन्होंने अपने 2 मुकाबले खेले, पहले मुकाबले में इन्होंने 30 रन नाबाद बनाए, दूसरे मुकाबले में इन्होंने 14 रन नाबाद बनाए। नंबर 4 पे आएंगे सरबजीत सिंह जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं। इसके अलावा अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं। पहले मैच में इन्होंने 19 रन नाबाद बनाए, दूसरे मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला लेकिन कीपिंग काफ़ी अच्छी की थी, काफ़ी कैचेस इन्होंने पकड़े थे। जगमीत सिंह की मैं बात करूं, राइट हैंड बैट्समैन ने, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कराता है। इसने कल अपने दोनों मुकाबलों में 2-2 ओवर की बॉलिंग की थी, पहले मुकाबले में 1 विकेट निकाला, दूसरे मुकाबले में 2 विकेट इसको हासिल हुए। जयपाल सिंह की मैं बात करूं, ये भी एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते हैं। कल इन्होंने अपने पहले मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले, दूसरे मुकाबले में इन्होंने 1 ओवर की बॉलिंग की और 1 विकेट यहाँ पे निकाला। जसविंदर सिंह की मैं बात करूं तो इन्होंने भी कल अपने दोनों मुकाबले में 2-2 ओवर की बॉलिंग की, पहले मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग करके विकेट निकाले, दूसरे मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले। लखवीर सिंह की मैं बात करूं तो ये भी एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते हैं, दोनों मुकाबले में इनको बैटिंग नहीं मिली। नंबर 9 पे आएंगे नोमन अली जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं। पहले मुकाबले में इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट निकाला, दूसरे मुकाबले में 2 ओवर की बॉलिंग करके 1 विकेट इन्होंने फिर से निकाला। तो यानी दोनों मुकाबले में इन्होंने 2-2 ओवर की बॉलिंग की। शाफिक महमूद की मैं बात करूं जो कि एक राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कराते हैं, वो दोनों मुकाबले में इनको कल मौका नहीं दिया गया कुछ भी करने का। तो यहाँ पर जो सबसे पहले बात करूँ मैं किंग्स इलेवन टीम स्टैट्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की, तो यहाँ पर देखिए आपके लिए विकास कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन और वाइस कैप्टन आप इसको बनाइएगा। दूसरा नाम यहाँ पर आएगा आपके लिए जगमीत सिंह का, ये भी इंपॉर्टेंट है। जयपाल सिंह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जसविंदर सिंह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि 2-2 ओवर की बॉलिंग कराई है। और लास्ट प्लेयर यहाँ पे नोमन अली है। तो इनकी ओर से जो ये 4 प्लेयर्स मैंने आपको बताए ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपकी टीम में होने जरूर चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बाकी अगर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो वो ये है कि अगर आपको फाइनल अपडेट या फिर फाइनल टीम चाहिए आफ्टर लाइनअप या टॉस के बाद तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पे 7,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। और आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगहों में सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। तो किसी भी जगह से जाके आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बाकी मेंबर्स की तरह मेरी दी गई 100% विनिंग टीम का प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। अब बात करते हैं दोस्तों इनके अपोनेंट की, यानी अपोनेंट इनके कौन है जिप टीम की। तो यहाँ पे जिप टीम जो है वो अपना टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेलेगी। इनकी ओर से नाम निकल के आएगा निसार अहमद का, राइट हैंड बैटिंग करता है बंदा। ECS में इसने 16 मैचेस खेले, 328 रन बनाए हैं, 4 ओवर की बॉलिंग करके 2 विकेट निकाले हैं अपनी टीम के लिए। नंबर 2 पे आएंगे शाहरुख नवाज, राइट हैंड बैटिंग करेंगे, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करा सकते हैं। ECL में इन्होंने 4 मैचेस खेले हैं, 65 रन बनाए हैं 32 की एवरेज के साथ। फहीम नज़ीर इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करेगा, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कराएगा। ECS में 18 मैचेस में 397 रन है इसके नाम और 11 विकेट हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। हसन की मैं बात करूं विकेट कीपर है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करेंगे। ECS में इन्होंने 23 मैचेस में 613 रन बनाए हैं और 2 ही ओवर बॉलिंग की, यानी बॉलिंग काफ़ी कम ये कराएंगे। हसनत अहमद की मैं बात करूं राइट हैंड बैट्समैन है, राइट ऑफ स्पिन बॉलिंग कराएंगे। ECS में 6 मैचेस में 182 रन इनके नाम है, 3 विकेट इन्होंने भी निकाले हैं। महमूद रिजवान की मैं बात करूं राइट हैंड बैटिंग करेंगे, राइट ऑफ स्पिन बॉलिंग कराएंगे। ECS में 15 मैचेस में 108 रन है इनके नाम, 15 की एवरेज है और 1 ओवर की ही इन्होंने बॉलिंग की है, तो बॉलिंग काफ़ी कम करी है इन्होंने। इमरान की मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, राइट हैंड बैटिंग करेगा, राइट हैंड फर्स्ट बॉलिंग कराएगा। ECS में 11 मैचेस खेले हैं बंदे ने, 56 रन बनाए हैं, 9 विकेट निकाले। जनाका वास की मैं बात करूं, ये भी एक राइट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं। ECS में इन्होंने दोस्तों अपने 9 मैचेस में 112 रन बनाए हैं 16 की एवरेज के साथ और 10 विकेट अपनी टीम के लिए निकाले हैं। रुखसार अहमद की मैं बात करूं अपनी टीम का कैप्टन है और अपनी टीम के लिए राइट हैंड बैटिंग, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराएगा। ECS में 16 मैचेस में 11 विकेट हैं इसके नाम। हर्षा वास की बात की जाए तो इनके नाम भी ECS में 10 मैचेस में 20 रन है, विकेट एक भी नहीं है क्योंकि बॉलिंग ही काफ़ी कम की है। और सुखविंदर सिंह इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनके नाम ECS में 10 मैचेस में 20 रन है और 9 विकेट हैं।
तो यहाँ पे जो टीम जिप रहेगी ना इनकी ओर से आपके लिए निसार अहमद इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, फहीम नज़ीर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा नीचे से आपके लिए यहाँ पे इमरान इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जनाका वास इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, रुखसार अहमद आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और यहाँ पे सुखविंदर सिंह इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी ऑफिशियल साइट के जानकारियों के बारे में। तो इनकी अगर मैं ऑफिशियल की बात करूं तो इनकी ऑफिशियल साइट में बताया गया है कि इस टीम के कैप्टन रुखसार अहमद होंगे, विकेट कीपिंग हसन अहमद करेंगे, इनकी ओर से निसार अहमद और शाहरुख नवाज ओपन करने आएंगे, नंबर 3 पे हसन अहमद आएंगे और नंबर 4 पे रिजवान तनवीर आएंगे। तो हसन अहमद का भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं यहाँ पे, 15 मैचेस में 157 रन है, बॉलिंग काफ़ी कम इन्होंने ECS में कराई है, 23 मैचेस में 613 रन है इनके ECS में। इनकी ओर से पावर प्ले के अंदर महमूद इमरान और जनका वॉस बॉलिंग कराएंगे और स्पिन ऑप्शन में इनके पास रिजवान और असनत अहमद के भी अवेलेबल है। तो असनत अहमद का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, 6 मैचेस में 182 रन है और हर एक मैच में बॉलिंग है इनकी 2 ओवर की और 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं। इसके अलावा इस टीम के लिए हसन अहमद की मैं बात करूं, हार हिटिंग लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, टॉप स्कोरर थे ECS इटली ब्रेसिका के, 274 इन्होंने बनाए थे 55 की एवरेज के साथ, 194 का स्ट्राइक रेट था, 25 छक्के इनकी पारियों में शामिल थे। सुखविंदर सिंह की मैं बात करूं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कराते हैं, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कराते हैं, काफ़ी अच्छी स्विंग भी कराते हैं, सेकेंड हाइएस्ट विकेट टेकर थे ECS ब्रेसिका में, इनका रिकॉर्ड जो था वो 5 विकेट था 14 रन देकर और साथ में इन्होंने 9 विकेट्स निकाले थे। जनाका वास की मैं बात करूं तो ये भी काफ़ी कमाल के एग्रेसिव बैट्समैन है, हालांकि ये बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, टॉप विकेट टेकर थे, इन्होंने 10 विकेट निकाले थे और फाइनल में इन्होंने 4 विकेट अपनी टीम के लिए निकाले थे। निसार अहमद की मैं बात करूं, ओपनिंग बैट्समैन है, काफ़ी कमाल का परफॉर्मर है, 239 रन है इसके नाम इसकी 9 पारियों में, इसके अलावा इसने 241 रन बनाए थे अपने 13 पारियों में ब्रेसिका में ECS ब्रेसिका में। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको यहाँ पे दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स के स्टेट्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है मेरे भाइयों तो क्या करो, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी मेरी फाइनल अपडेट होगी, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी आफ्टर लाइनअप पे टॉस के बाद, या जो मेरी 100% विनिंग टीम होगी जिस टीम के साथ मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो टीम दोस्तों आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पे 7,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, आपको चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगहों में मिल जाएगा, तो किसी भी जगह से जाकर आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और बाकी मेंबर्स की तरह मेरी दी गई फ्री टीम का प्रॉफिट उठा सकते हो। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब चलते हैं एप्लीकेशन की और आपको कमाल का टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक मैं एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों बल्लेबाजी एप्लीकेशन, काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है और अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों में दे रखा है, अगर आपको लिंक वहाँ पर ना मिले तो आप इसको सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो और अगर आप मेरे लिंक से इसको डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे 50 रुपीज़ का बोनस मिलेगा और जिस बोनस को आके आप लोग यहाँ पे 100% यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो आज मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का, उसमें आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट लगाए गए हैं जहाँ पर आपका बोनस भी यूज़ होता हुआ मिल जाएगा और आपका 50% तक बोनस यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा आपके लिए एक स्पेशल लीग लगाई गई है जहाँ पर एक Redmi 9 मोबाइल आप विन कर सकते हो, जहाँ पर आपको मात्र 10 रुपये के अंदर एंट्री करनी है जिसमें आपका 50% बोनस यूज़ हो जाएगा और आप चाहें तो यहाँ पर कितनी भी एंट्रीज ले सकते हैं, इन्फिनिटी है यहाँ पर, जितना आपका मर्जी उतनी टीम उतार सकते हैं और इस मोबाइल को विन करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्मॉल के कॉन्टेस्ट भी काफी कम एंट्री फीस में देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि जो भी आप मनी आप अर्न करोगे उसके आप पेटीएम और बैंक दोनों के अंदर विड्रॉ कर पाओगे, पेटीएम के अंदर मिनिमम आपको 10 रुपीज चाहिए विड्रॉल के लिए, मिनिमम आपको 2 मिनट्स लगते हैं विड्रॉल को आपके वॉलेट में आने के लिए, यानी कि इंस्टेंट विड्रॉल यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक यहाँ पे क्लासिक टीम बनाने का ऑप्शन मिलता है जो कि एक नॉर्मल टीम होती है, बाकी आप लोग यहाँ पे बैटिंग की टीम बना सकते हो, एक बॉलिंग की टीम बना सकते हो, एक रिवर्स टीम बना सकते हो और यहाँ पर आकर आप सेकेंड इनिंग भी खेल सकते हो। जब आप यहाँ पे टीम क्रिएट करते हो ना तो आपको एक काफ़ी कमाल का फीचर दिया जाता है प्लेयर इंटेलिजेंस का, इस फीचर का यूज़ करके आप लोग किसी भी प्लेयर के बारे में उसकी कोई भी जानकारी निकाल सकते हो कि इसकी अभी की फॉर्म कैसी चल रही है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, इसके अलावा जो विकेट है वो किसको फेवर करेगा, बैट्समैन को फेवर करेगी आप बॉलर्स को। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी प्रकार की लिमिटेशंस नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आप एक बैट्समैन पिक कर सकते हो, आप यहाँ पर एक ऑलराउंडर पिक कर सकते हो और आप यहाँ पर एक बॉलर भी पिक कर सकते हो, तो जैसा आपका मन करे वैसी टीम आप यहाँ पर आके क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार से ज़रूर इस एप्लीकेशन को ट्राई करिएगा। तो पहले मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूं विकेट कीपिंग सेक्शन की, उससे पहले दो बातें आपको समझनी है। यहाँ पे देखिए किंग्स 11 की जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, कल इन्होंने जो 2 मैचेस खेले अपने दोनों मैचेस इन्होंने विन किए,
काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में दो ऑप्शन है आपके सामने, मनजीत सिंह, दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे आपके एस सिंह की, और एक ऑप्शन है आपके सामने निसार अहमद की। तो देखिए मनजीत सिंह क्या कर रहे थे, कल बॉलिंग कर रहे थे, तो जीएल का पंट है ये प्ले, 10% सिलेक्शन है, टीम में उठा लीजिएगा अपनी, ग्रां लीग की टीम में उठा लेना, फोर मेंबर की टीम में उठा लेना इसको, और आपको मैं बता देता हूँ वहाँ पर आकर ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पिक कर लेना मतलब। इसके अलावा यहाँ पर एस सिंह है जिन्होंने कल विकेट कीपिंग काफ़ी अच्छी की थी, लेकिन बैटिंग इनकी दूसरे मैच में आई नहीं थी, नीचे बैटिंग करते हैं, तो एक प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, 6% इसका सिलेक्शन है, प्लेयर है निसार अहमद, ओपन करने आएगा, आग बंद करके मैं इसको पिक कर रहा हूँ अपनी टीम में। दूसरी ऑप्शन है आपके सामने हसन अहमद की, बैटिंग बॉलिंग ये भी कराएंगे, इनको भी पिक कर सकते हैं, दो विकेट कीपर के साथ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और तीसरी पिक है आपके सामने हर्षा वास की यहाँ पे। तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जो विकेट कीपिंग सेक्शन में दिए गए हैं जो कि विकेट कीपिंग भी नहीं करेंगे, ओनली बॉलिंग कराएंगे तब भी उनका नाम यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको पिक करने की, आप देखिए हसनत को भी कर लेना और यहाँ पे वॉस को भी कर लेना, आप चाहें तो चार विकेट कीपर के साथ भी अपनी ग्रां लीग की टीम में जा सकते हैं। बाकी अभी के लिए मैं यहाँ पे एक ही विकेट कीपर पिक करूँगा जो कि है निसार अहमद, और आपको ओपन करता हुआ नजर आ जाएगा, काफ़ी कमाल का प्लेयर है, काफ़ी अच्छी बैटिंग करता है। बैटिंग सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दूसरा नाम आपके सामने आएगा अजहर हुसैन का, काफ़ी कम चांसेस है खेलने के, अभी के लिए मैं सिमरनजीत सिंह को पिक करूँगा, रिजवान को पिक करूँगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों कराएंगे। इसके अलावा मलिकी सिंह के दो मैचेस में इन्होंने ओपन किया था लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए थे, आउट हो गए थे काफ़ी कम स्कोर पे, आप चाहें तो इनको पिक कर सकते हैं आज के मुकाबले में। इसके अलावा यहाँ पर है नवाज जो कि आपको नंबर तीन या फिर ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, तो इसीलिए मैं इनको पिक कर लूँगा। इसके अलावा यहाँ पर प्ले निकल के आएगा आपके लिए हरमनजीत सिंह जो कि मुझे लगता है खेलेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो तीन मेन इंपॉर्टेंट बैट्समैन थे मैंने इनको यहाँ पे पिक कर लिया है। देखिए हुसैन खेलने वाले हैं नहीं तो इनको पिक करना बनता नहीं है, एम सिंह की फॉर्म इतनी बेस्ट है नहीं तो इनको पिक करना बनता नहीं है, जो जो तीन मेन इंपॉर्टेंट बैट्समैन थे मैंने इनको पिक कर लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ, जनकावास विकेट टेकर बॉलर है, पिक करिए, हसनत अहमद स्पिन बॉलिंग कराएंगे, एक या दो ओवर की ही बॉलिंग कर पाएंगे तो आप चाहें तो पिक कर सकते हैं। बाकी मैं जय सिंह को पिक करूँगा, वी कुमार को पिक करूँगा और यहाँ पर मैं जय सिंह इनको दोनों को पिक कर लूँगा। देखिए दोनों ये जय सिंह जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिस्क ले पाएं तो एक जय सिंह को ड्रॉप करके यहाँ पर इनको पिक कर सकते हैं हसनत अहमद को, लेकिन मैंने आपको बताया कि किंग्स इलेवन की जो टीम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, तो आज भी वो अपने मुकाबलों को विन कर सकते हैं, तो इसी कारण से आपको जो टीम बनानी वो किंग्स के फेवर में बनानी है। यहाँ पे देखिए इमरान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरी पिक आएगी आपके सामने यहाँ पे रुखसार अहमद की, अपनी टीम का कैप्टन है और इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आप चाहें तो इसको पिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और नाम निकल के आएगा सुखविंदर सिंह का और यहाँ पे फहीम नज़ीर का, इनकी सिलेक्शन देखिए 10% लोगों ने इनको पिक करके रखा है, प्लेयर आपको मैं बता दूँ जैकपॉट प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों काफ़ी अच्छी कराता है। इसके अलावा सुखविंदर सिंह प्लेयर जो था वो भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिला उसकी पिक, तो देख लेते हैं यहाँ पे सुखविंदर सिंह, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, लेकिन वही बात है कि हम लोग यहाँ पे सारे प्लेयर्स को तो पिक करके नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रुखसर की जगह पर मैंने अपनी टीम में नाजिर को रखा है और यहाँ पर एक प्लेयर है नोमन अली, देखिए ये प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, जसविंदर सिंह ये भी प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पर आपको एक प्लेयर को पिक करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इमरान के ऊपर रिस्क ले रहा हूँ, इनकी जगह पर रुखसर को पिक कर लूँगा और जसविंदर सिंह को पिक कर लूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी जो टीम है वो क्रिएट हो चुकी है, मैंने अपनी टीम में 6 प्लेयर रखे हैं जिप के यानी जीना ब्रेसिका के, 5 प्लेयर मैंने यहाँ पे किंग्स इलेवन के रखे हैं। कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मैंने अपनी टीम में 1 विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 3 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन तैयार किया है। टीम रिव्यू के बारे में आपको मैं बताऊं तो मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से निसार अहमद को रखा है जो कि अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करेगा और बैटिंग करता हुआ नजर आएगा। बैटिंग सेक्शन से मैंने शाहरुख नवाज को रखा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, सिमरनजीत सिंह को रखा है और यहाँ पर मैंने रिजवान को रखा है, ये तीनों प्लेयर आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं जिसमें से आपको रिजवान बैटिंग और बॉलिंग दोनों का ऑप्शन करके देने वाले हैं। उसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे जनका वॉस को पिक करके रखा है, मैंने जय सिंह को पिक करके रखा है, मैंने यहाँ पे जयपाल सिंह को पिक रखा है और यहाँ पर मैंने विकास कुमार को पिक रखा है। ये चारों ऑलराउंडर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप चाहें तो ग्रां लीग में इन्हीं प्लेयर्स के आसपास कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने नाजिर को रखा है, विकेट टेकर प्लेयर है और साथ में काफ़ी अच्छी बैटिंग भी कर सकता है, टीम इसको ओपन करने भी भेज सकती है। इसके अलावा मैंने जसविंदर सिंह को रखा है जिन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके अलावा रुखसार अहमद को रखा है, ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, अपनी टीम के कैप्टन है और बॉलिंग काफ़ी अच्छी कराते हैं। तो अपनी इस टीम में अगर मैं बात करूं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में किस प्लेयर को प्रोवाइड कराऊंगा तो कैप्टनसी यहां पर मैं विकास कुमार को दूंगा, वाइस कैप्टनसी यहां पर मैं एफ नाजिर को दूंगा। सिलेक्शन देख सकते हैं बंदे का काफ़ी कम है उसके ऊपर, यहां पे इसका सिलेक्शन 1% भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको वाइस कैप्टन बना दिया है क्योंकि मुझे मालूम है ये प्लेयर क्या कर सकता है, लास्ट सीजन ये कैसा परफॉर्म कर रहा था। तो आप लोग हमारी इस टीम का स्क्रीनशॉट इसका प्रीव्यू ले लीजिए और जहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो वहां पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को यूज़ कर सकते हैं। इसी टीम के साथ दोस्तों आप लोग हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, इसी टीम के साथ दोस्तों आप लोग स्मॉल लीग के कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर
मेरी इस टीम से कोई भी प्लेयर नहीं खेलता आफ्टर लाइन अप टॉस के बाद, तो जो मेरी फाइनल टीम होगी ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी के समय हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको बता दूं 7000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रोज़ाना यहाँ पर वो दी गई मेरी फ्री टीम का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो आप लोग भी अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में चले जाना, जो पहले नंबर पर कमेंट हो, जो टॉप पर कमेंट हो, जो कमेंट पिन किया गया वो मेरे चैनल का लिंक रहेगा, जिस पर क्लिक कर सीधा आप लोग हमारे चैनल पर पहुँच जाएंगे और बाकी मेम्बर्स की तरह मेरी दी गई फ्री टीम का प्रॉफिट उठा पाएंगे। तो ये काम दोस्तों जरूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री। बाकी अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बिल्कुल फ्री, तो ज़रूर दोस्तों ये काम कर लीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आप सभी लोगों से जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जितने भी मैचेस हों, जहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, ऑलवेज आप विन करते रहे हमारे टीम मैनेजमेंट से, हमारे टीम कॉम्बिनेशन से। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।